आज मैं आपके लिए ये लुक लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को ड्रॉ कर लूँगी म्यूजिक फ्लावर के जेल लाइनर से। तो आप देख सकते हो मेरी एक आईब्रो हो गई है। अब मैं दूसरी आईब्रो को करूँगी ड्रो। तो अब मैं यहाँ पे अपनी दूसरी आईब्रो को कर चुकी हूँ ड्रो। अब मैं यहाँ कंसीलर से अपने आईज को प्राइम करूँगी और फ्लैट ब्रश की सहायता से अच्छे से इसको कंसील कर लूँगी अपनी आईज को, और आईब्रो को भी क्लीन करूँगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंसीलर लगा लिया है। तो अब मैं अपने डार्क सर्कल भी कवर कर लूँगी कंसीलर से, और अब मैं अपनी दूसरी आईज पे भी सेम कंसीलर लगा लूँगी। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि ड्राई पैचेस ना बने। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अच्छे से कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अच्छे से लगा ले रही हूँ, इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं मतलब लूज कार्ड उसे सेट करूँगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं अपनी आईज का मेकअप पहले करूँगी और फेस का बाद में। तो सबसे पहले मैं अपनी आईज का मेकअप स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर अपना लूज कार्ड भी सेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिस रोज की ये मैट वाली आई शेडो पैलेट ली है, मैट आई शेडो पैलेट। और यहाँ पे मैंने पर्पल शेड लेके अपनी आईलिड में अप्लाई करूँगी अच्छे से, और जब तक अप्लाई करूँगी जब तक कि मतलब थोड़ा डार्क शेड ना आ जाए। तो आप देख सकते हो मैं इसको हल्का हल्का करके ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है, अगर ज़रा सा भी ज़्यादा लग जाएगा तो पूरी आई शेडो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैं अच्छे से कर ले रही हूँ, इसको लगा ले रही हूँ इसको अच्छे से। तो आप देख सकते हो मेरा हो चुका है डार्क शेड। अब मैं यहाँ पे एक कंसीलर से लेके अपनी कट क्रीज बनाऊँगी, ब्लड ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो अच्छे से क्लीन करूँगी मैं अपनी। तो आप देख सकते हो कंसीलर लग चुका है। अब मैं यहाँ पे ये मिस्केयर का आईलाइनर लगा रही हूँ, ग्लिटर आईलाइनर। तो मैं इसको लगा ले रही हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड शेड है ये, और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं अच्छे से इसको लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अच्छे से लगा लिया है इसको, और थोड़ा आगे की साइड और लगाऊंगी, इसको थोड़ा सा आगे से और अच्छे से करूँगी इसको ड्रो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अच्छे से लगा ले रही हूँ इसको। तो मेरा लग चुका है। अब मैं यहाँ पे उसी मिस रोज के पैलेट से ब्लैक शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी अच्छे से, ताकि हमारा जो गोल्डन शेड है वो अलग अलग ना दिखाई दे कि हमने अलग से लगाया हुआ है, ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अच्छे से लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लग चुका है। अब मैं अपनी दूसरी आईज भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब टेप को हटा देती हूँ। तो देख सकते हो मेरा आईज का लुक। तो
तो मैं यहाँ पे अब फेस की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले निविया की सॉफ्ट क्रीम ली है मैंने यहाँ मॉइस्चराइजर के लिए, तो यहाँ अच्छे से लगा लूँगी मैं इसको ताकि हम फाउंडेशन लगाएं अच्छे से ब्लेंड हो और क्या कहते हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ इसको। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लगाऊंगी, प्राइमर मैं मिस रोज का लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे प्राइमर लगा ले रही हूँ मिस रोज का, ताकि हमारा जो फाउंडेशन लगाए एकदम सिल्क बेस्ड प्राइमर से सिल्क हो जाए, एकदम अच्छे से ब्लेंड हो और के ना दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे ओलविया का पेन स्टिक ले रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया पेन स्टिक है। आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्स्चर है इसका और आप भी और एक मतलब ये केवल 100 रुपीज़ का आता है और ये अच्छे से ब्लेंड भी होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड भी हो जा रहा है आराम से, ज़्यादा ब्लेंड करने की जब वो नहीं है आपको झंझट नहीं होगा क्योंकि ये आराम से ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हो और अच्छी खासी कवरेज भी देता है, फुल कवरेज देता है, बल्कि वाटर प्रूफ भी है ये। तो आप देख सकते हो कितने आराम से ब्लेंड हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अब मैं सेट करूँगी एडीएस के बनाना लूज पाउडर से, तो यहाँ पे मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ अपने मतलब पेन स्टिक को सेट कर ले रही हूँ अपने फाउंडेशन को, ताकि हमारा वो जो फाउंडेशन लगा है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए थोड़ा और मेल्ट ना हो पसीने में। अब मैं यहाँ पे ये फिर से मैं वो पर्पल शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन में लगाऊंगी। पेंसिल ब्रश की सहायता से अच्छे से लगा लूँगी मैं इसको। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब अपनी दूसरी आइस में भी लगा लूँगी, तो आप देख सकते हैं मेरी आइस का लुक। और यहाँ पे मैं अपना ग्रीन काजल लगाऊंगी, ब्लैक काजल नहीं लगाऊंगी, आप देख सकते हो। और ग्रीन काजल लगाने से एकदम आइस का लुक एकदम चेंज हो जाता है और इतना अच्छा लगता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपनी दूसरी आइस पर भी लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर लाइनर लगा लूँगी और देख सकते हो मैं यहाँ पे, और सॉरी मैं लाइनर दिखाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे लाइनर NYB का लिया है और काजल मैंने CPP का लिया था। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक लाइनर बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ लाइनर। अब मैं अपनी दूसरी आइस में भी लगाऊंगी, तो आप देख सकते हो मेरी आइस का लुक। अब मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग के लिए अपनी CBB की पैलेट ले रही हूँ, कॉन्टोरिंग हाइलाइटर पैलेट। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अच्छे से कर ले रही हूँ। और मैं जब ज़्यादातर मैं कॉन्टोर पाउडर कॉन्टोरिंग करती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। अब मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोरिंग करूँगी कॉन्टोर ब्रश की सहायता से। तो आप देख सकते हो अपने फोरहेड को भी कर लूँगी अब। मैं यहाँ पे अपना उसी CBB के हाइलाइटर पैलेट से मैं इसको अपने इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी। आप देख सकते हो अब मैं यहाँ पे ये वाला CBB के वो पैलेट लेके मैं यहाँ पे ब्लश लगा ले रही हूँ, दोनों ब्लश मिक्स करके लगाऊंगी।
तो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये वाला हाइलाइटर लगा ले रही हूँ अपने चिक पे, तो आप देख सकते हो। और ये कितना पिगमेंटेड है आप देख सकते हो खुद। अब मैं यहाँ पे CBB के सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट करूँगी ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। फॉल्स लैसेस लगा लूँगी, तो आप देख सकते हो मैंने लगा लिया मेरे आइस का लुक। अब मैं अपना लिप शेड लगाऊँगी, और मैंने डार्क शेड लिया है, पिंक शेड लिया है मैंने, आप देख सकते हो। और ये कितना पिगमेंटेड शेड है आप देख सकते हो खुद ही। तो यहाँ मैं अच्छे से लगाऊँगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ लगा ले रही हूँ अच्छे से लिप शेड अपना। ये था मेरा कंप्लीट लुक। तो आप देख सकते हो अब मैं अपनी हेयर स्टाइल और ज्वेलरी पहन कर आती हूँ। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके